अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी टेक ट्यूब। मैं आप दोस्तों को अपने यूट्यूब के चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और स्किप भी ना करें, ताकि आप जो है कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना ना हो आपको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक जीमेल में नई ईमेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर आना है, और यूट्यूब पे आने के बाद जो है आपको उसी सेम न्यू एड्रेस से जो है आपको साइन इन हो जाना है। साइन इन हो जाने के बाद जो है आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर जो है माई चैनल पर क्लिक करें। आप माई चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है ये बिल्कुल न्यू जो है अभी जो है अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यूट्यूब सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आप व्यू एडिशनल फीचर्स पर आप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे मोनेटाइजेशन जो है यहाँ पर है, वो यहाँ पर जो बटन है इसका, यहाँ पर इनेबल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपको न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपको करना है स्टार्ट के बटन पर क्लिक है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें। बिल्कुल एज इट इज़ करना है, जैसे मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप वही आप जो है अकाउंट जीमेल की जो एड्रेस है वो सिलेक्ट करें जो कि बिल्कुल नई आपने बनाई हुई है। ठीक है, तो ये आपको अब गूगल एडसेंस के तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नई ईमेल एड्रेस है आपकी, ठीक है, तो इसी को सिलेक्ट करना है आपको। यस, यहाँ पर यस को टिक कर दें, और यहाँ पर जो आपको कंट्री है तो कंट्री हमारे जो है वो पाकिस्तान है, तो यहाँ पर हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर देते हैं। ये बाद में भी एडिट हो सकती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इनको आप देख लें तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ सारों को। ठीक है, उसके बाद जो येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आ गए पेमेंट की जो है वो एड्रेस एंड डिटेल देनी है। तो अकाउंट जो है आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो है नेम है आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि अली हो गया जो नेम है, यहाँ पर आप कर दें इसको फॉर एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर अली यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद लाइन है एड्रेस लाइन 1, तो यहाँ पर आप कुछ भी दे दें। ठीक है, यानी कि ABC और ABCD। ठीक है, और लाइन 2 है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें, कुछ भी दे दें, यहाँ पर हैदराबाद सिंध लिख देता हूँ, सिटी में भी यहाँ पर मैं हैदराबाद दे देता हूँ। पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड का मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही यहाँ पर ये डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है आपको अपना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो ये वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करने के लिए आपको टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, गेट वेरिफिकेशन कोड, मैंने क्लिक कर दिया तो इन्होंने ये कोड भेजा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोड डाल लगा दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर वी आर रीडायरेक्टिंग टू योर होस्ट कन, ठीक है, रीडायरेक्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है तीसरे नंबर पर स्टार्ट, और यहाँ पर है तीनों टिक लगे हुए हैं। ठीक है, सेव के बटन पर क्लिक कर दें।
ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम यूट्यूब पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमको आना है अब गूगल एडसेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप करना है यहाँ पर www.adsense.com। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एडसेंस अकाउंट ओपन हो रहा है, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ फिक्स्ड वी हैव प्लीज़ फिक्स द इश्यूज़ वी फाउंड सो वी कैन नॉट प्रोसीड कनेक्टिंग टू योर साइट। यहाँ पर मैंने ये टिक कर दिया, इशू दिखा रहा है सबमिट। तो उसके बाद जो हमें क्या करना है कि हमें अब आना है यहाँ पर गूगल, आप ओपन कर लें। यहाँ पर आपको सर्च करना है एड मोब। ठीक है, एड मोब पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये एड मोब का वेबसाइट आ गई, google.com/admob। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर है साइन अप फॉर एडमोब, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आप वही ईमेल एड्रेस सिलेक्ट करेंगे जो कि आपने जो प्रीवियस स्टेप में सिलेक्ट की हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है यहाँ पर आ गए एडमोब के अकाउंट पर, और यहाँ पर जो है हमारा साइन अप, ठीक है, डाल करेंसी यहाँ पर है डॉलर। ठीक है, और जो टाइम जोन है हमारा कराची सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पूरे को स्क्रॉल कर लें। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट दी टर्म्स ऑफ कंडीशंस, उसके बाद जो है क्रिएट एडमोब अकाउंट। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको आप यस कर दें, सारों को यस कर दें, ये आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू टू एड मोब। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा अकाउंट तकरीबन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेडी टू टेक ऑफ, गेट स्टार्टेड के बटन पर आप क्लिक कर दें। क्या आपने पहले जो है गूगल प्ले स्टोर में ऐप कोई जो है पब्लिश की हुई है तो नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप किस चीज़ के बनाना चाहते हैं, एप्पल का जो फ़ोन होती है या एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लें। ऐप में यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, कोई भी लिखते हैं आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ऐप। उसके बाद जो यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट यूनिट एड। ठीक है, क्रिएट एड यूनिट, सॉरी। उसके बाद जो है तीन जो है किस्म की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर रहे तीन किस्म की एड आपको दिख रही हैं, तो तीनों को आप कर रहे हैं। बैनर एड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ उसका नाम बैनर है, तो यहाँ पर मैं इसका सेम ही नाम दे देता हूँ बैनर। ठीक है, उसके बाद क्रिएट एड यूनिट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये एड बन चुकी है, डन पे आप क्लिक कर दें। ये तीनों जो है आप एड बना लें। ठीक है, उसके बाद जो है आपको आना है दोबारा यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर इस पर इंडस्ट्रियल जो है इसका नेम भी मैं सेम ही दे देता हूँ।
ठीक है, क्रिएट एड यूनिट, डन। उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पर क्लिक करें और रिवार्डेड तीसरी और आखिर जो यहाँ पर इसका नाम भी मैं यहाँ पर आप जो भी नाम दें, मैं यहाँ पर ये इसका नाम यही दे रहा हूँ, क्रिएटेड यूनिट, डन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो तीनों जो है मैं दिखाता हूँ, ये गूगल एडसेंस के जो है पेमेंट्स हैज बीन चेंज। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा है, ये अकाउंट की जो है इंफॉर्मेशन आ गई, आपका जो एडसेंस की जो आईडी है, स्टेटस जो है पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पर है इनबॉक्स, और दोबारा यहाँ पर ये जो है एडमोब का जो अकाउंट बनाया ये उसके लिए, ये उसके लिए आ गई है कि कंग्रेचुलेशन ऑन क्रिएटिंग एडमोब अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं एडसेंस पर और यहाँ पर करते हैं। दोस्तों मैं आपको डे यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आज जो है 16 अप्रैल 2018 है। ठीक है, 12:30 बजे इन दिन के, तो देखते हैं कि ये हमारा अकाउंट जो है कितने टाइम में जो है अप्रूव होता है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर वीडियो को दोबारा जो है रिकॉर्ड करके आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा ये चीज़ें। ठीक है जी दोस्तों, तो आज है 17 तारीख और आज ये टाइम बजे टाइम हुआ है 2:27। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या हुआ, कि अकाउंट जो है अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आते हैं जीमेल में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैसेज क्या ईमेल जो है आई हुई है या नहीं आई हुई। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि 16 अप्रैल ये कल ही की डेट में कल दोपहर 2:50 पर जो है दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने चेक आज किया है, तो ग्रेट न्यूज़, योर अकाउंट इज़ नाउ अप्रूव्ड। एडमोब का अकाउंट जो है अब अप्रूव हो चुका है, यू हैव गॉट द ग्रीन लाइट। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मैं आपको दोनों अकाउंट में साइन इन होकर दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको एडमोब में चलते हैं। ठीक है, एडमोब .com। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करते हैं साइन इन टू एडमोब अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट का ये जो है दिखा रहा है, लेकिन हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ गूगल एडसेंस। एडसेंस.com। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पर देखते हैं कि हमारा जो मेन है वो यही है कि एडमोब की जो भी अर्निंग होती है वो सीधी गूगल एडसेंस में जाती है। ठीक है, तो से हाय टू योर न्यू होम पेज, तो ये भी जो है नाउ मेक इट योर्स, ये भी जो है हमारा अकाउंट बन चुका है। कल आपने देखा था कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन थे वो काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये एक जो है वो पिक्चर बनी हुई थी और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अब अकाउंट बन चुका है गूगल एडसेंस पर भी, और हमारा जो है एडमोब का भी अकाउंट बन चुका है। तो अब जो है हमें एडमोब की जो जो यहाँ पर एड हमने क्रिएट की थी वो एड यहाँ से ले कॉपी करके
अपनी जो ऐप हैं उसमें लगाकर आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है तरीका गूगल एडमोब के अकाउंट को भी अप्रूव करने का और गूगल एडसेंस के अकाउंट को अप्रूव करने का। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।